नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे शुगर के बारे में। ऐसे मैंने शुगर के बारे में पहले भी आपको नुस्खा बता चुका हूं, और भी कई नुस्खे हमारे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उसका 100% रिजल्ट है। दोस्तों, शुगर आजकल आम बीमारी हो चुकी है, और शुगर ऐसी बीमारी है जिसे ये कहा जा सकता है कि शुगर सभी रोगों की जननी होती है। सारे रोगों का जड़ शुगर से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शुगर क्यों होता है और इसे हम कैसे जड़ से ठीक करें कि हमें जीवन भर दवाइयाँ ना खाना पड़े। दोस्तों, शुगर का मुख्य कारण है इंसुलिन, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पानक्रियाज होती है जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। इन पानक्रियाज का मुख्य कार्य होता है इंसुलिन का सेक्रेशन करना। यह इंसुलिन शरीर के अंदर ग्लूकोज का प्रयोग करके एनर्जी देती है, शरीर में एनर्जी पैदा करती है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसे भी कंट्रोल करके रखती है। यह इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को ना बढ़ने देती है और ना घटने देती है। तो जब हमारा पानक्रियाज सही होता है तो सही मात्रा में इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। जब सही मात्रा में इंसुलिन का सेक्रेशन करता है, वो हमारे बॉडी के ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है, तो शुगर नहीं बढ़ता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, हमें सबसे जरूरी बात ये ध्यान रखना है कि हमें अपने पानक्रियाज को, अग्नाशय को ठीक रखना है। अगर हमारा पानक्रियाज, अग्नाशय ठीक है तो इंसुलिन का सेक्रेशन अच्छा होगा। जब इंसुलिन का सेक्रेशन अच्छा होगा तो वह ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखेगा, शुगर को कंट्रोल करके रखेगा और हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। अब जानते हैं कि ये पानक्रियाज कैसे एक्टिव रहे, कैसे सही रहेगा। दोस्तों, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जब शुगर हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए परहेज बहुत ही जरूरी है। ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे शुगर बढ़े। जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है उसे नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने वाले योगा भी करना चाहिए। अगर शुगर के रोगी नियमित परहेज करता है, नियमित एक्सरसाइज करता है और शुगर को कंट्रोल करने वाले योगा करता है, इसके साथ साथ मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, अगर उसे करते हैं तो एक महीना में शुगर कंट्रोल हो जाएगा। आप चाहे तो नाप कर देख लेंगे, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा खाली पेट 70 से 110 के बीच होना चाहिए और खाना खाने के बाद 90 से 140 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, शुगर के रोगी से मैं कहूँगा कि वह परहेज पे रहे, नियमित एक्सरसाइज करे और शुगर को कंट्रोल करने वाले योगा करे। साथ में उन्हें करना क्या है, शुगर के रोगी को करना ये है कि आम के ताज़े पत्ते लेने हैं। आम के हर गांव में, हर कस्बे में आम के पेड़ मिल जाता है। उन्हें करना ये है कि आम के ताज़े पत्ते ले लें और उन पत्तों को अच्छी तरह से धोकर, झाड़कर छाये में सुखा लें। जब वो छाये में पत्ते सूख जाते हैं तो उसका बारीक चूर्ण बना लें। जब बारीक चूर्ण बन जाता है तो उसे एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें और सुबह खाली पेट 1 चम्मच चूर्ण का सेवन करना है। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि 1 चम्मच चूर्ण लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। कैसे लेना है, सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच चूर्ण लेकर 1 लीटर गुनगुना पानी चाय की तरह घूट घूट करके पीना है। एक घूट पानी लेकर उसे मुंह में, एक घूट पानी ले लिया और फिर उसको ऐसे कूला करना है, कम से कम 2 बार कूला करके उसे पीना है। अगर इस तरह से वह रोगी पानी पीता है तो
तो 1 लीटर पानी पीने में लगभग 1 घंटा लगाना है। 1 घंटे में उस पानी को धीरे धीरे करके पीना है। अगर रोगी उकड़ू बैठकर पानी पीता है तो उसके शरीर से और कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसे मात्र 1 महीना करना है। इस नुस्खे को 1 महीना आजमाइए और नियमित परहेज कीजिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, शुगर कंट्रोल करने वाले योगा कीजिए और 1 महीना बाद अपना शुगर लेवल नाप कर देख लीजिए। आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा और कुछ दिनों तक इसे आप करते हैं तो आगे शुगर नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका पानक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, वह उचित मात्रा में इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा, जिससे शुगर की मात्रा न घटेगी और न ही बढ़ेगी। अगर आप कोई दवाई लेते हैं तो उससे आपका शुगर कम होगा और फिर बढ़ जाएगा, लेकिन इस नुस्खे से आपका पानक्रियाज जब एक्टिव हो जाएगा तो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का सेक्रेशन करेगा, वह इंसुलिन आपके शरीर को एनर्जी देगा और साथ में ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखेगा। दोस्तों, इस नुस्खा को आजमाएं और हमें कमेंट्स करके बतलाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। और भी नुस्खे जानने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं और शुगर कम करने के लिए और भी नुस्खे आपको मैं दूंगा। दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।